जय हिंद। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। अगर आप वैसे व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जिस व्यक्ति ने अपने मौत को डिजाइन किया था, हम लोग अपने जिंदगी को डिजाइन करते हैं कि हमको किस तरह से जीना है, कैसे करियर बनाना है, लेकिन वह व्यक्ति ऐसा था जो यह डिजाइन किया था कि मुझे मरना कैसे है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भगत सिंह और उनके साथियों की, जो राजगुरु और सुखदेव है, जिनको तीनों लोगों को एक ही दिन 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि यह व्यक्ति जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, भगत सिंह, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं है, वह एक विचारधारा है, वह एक विचार है, वह पूरा का पूरा एक इंस्टीट्यूशन है। वह व्यक्ति अपने जीवन में इतना कुछ कर गया, मात्र 23.5 साल की अवस्था में जितना करने के लिए हमको सैकड़ों जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम उनके जितना शायद ही काम कर पाए। तो हम बात करेंगे क्रांतिकारियों का राजकुमार शहीद आजम भगत सिंह की। देखिए, जब भगत सिंह को फांसी की सजा दी जा रही थी, भगत सिंह ने एक लेटर लिखा था पंजाब सरकार को और उन्होंने कहा था कि मुझे फांसी न दिया जाए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, उन्होंने लिखा था कि हमें फांसी न दिया जाए बल्कि हमें गोली से मारा जाए, हमें गोली मार दिया जाए, क्योंकि हम साधारण अपराधी नहीं है, वो अपराधियों को सजा मिलता है फांसियों की, और हम तो प्रिजनर है, वार प्रिजनर है, हम तो युद्ध छेड़ने के अपराधी, हमने तो जॉर्ज पंचम के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, हमने तो पूरे साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। वो इनकलाब जिंदाबाद की नारा लगाते थे और साम्राज्यवाद तेरा नाश हो, ऐसे वो नारा लगाते थे। उन्होंने कहा कि हमें एक वार प्रिजनर माना जाए और हमें गोली से मारा जाए, अगर आप हमें फांसी की सजा देते हैं तो ये हमारी बेइज्जती है। वैसे थे भगत सिंह, तो आपको समझ में आया होगा कि भगत सिंह कैसे थे। एक बार की बात है जब उनके पिताजी ने एक मर्सी पिटीशन लिख दिया था और कहा था कि भगत सिंह को छोड़ दीजिए, वो निर्दोष है। भगत सिंह को जब ये मालूम पड़ा, भगत सिंह बहुत गुस्से में आए और उन्होंने पिताजी को कहा कि आपने मुझे सबसे ज़्यादा दुखी किया है, आप बिल्कुल गलत है, आपको शायद पता नहीं है कि आप भगत सिंह के पिता है, दुनिया क्या कहेगी, हमने मर्सी पिटीशन कभी नहीं दिया क्योंकि मेरे मरने के बाद हजारों की संख्या में भगत सिंह पैदा होगा, यानी कि उनको पता था कि हम मरेंगे तभी हजारों भगत सिंह पैदा होगा, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि क्रांति तलवार से, बंदूक से नहीं आती है, क्रांति जब भी आती है वो विचारधारा से आती है, विचारों से आती है, विचार से बदलाव आते हैं। वो हमेशा कहते थे कि हमें आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं चाहिए, अंग्रेज तो चले जाएंगे लेकिन वो जो काले अंग्रेज है उनका जब शासन स्थापित हो जाएगा तो हमें उस आज़ादी को लेकर के क्या फ़ायदा होगा, आज़ादी से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर भारत में भूख रहेगी, निर्धनता रहेगी, पूंजीवाद रहेगी ही और सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग रहेंगे ही, जातिवादी मानसिकता के लोग रहेंगे ही, तो हमें आज़ादी क्यों चाहिए, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो हम आज़ाद क्यों हो, हमें इन सबसे आज़ादी चाहिए। वो हमेशा कहते थे कि पूंजीवाद शोषण करता है, इसीलिए समाजवाद स्थापित होना चाहिए, निर्धनों का शासन स्थापित होना चाहिए, बहुसंख्यकों का शासन स्थापित होना चाहिए, किसानों की स्थिति सही होनी चाहिए, मजदूरों की स्थिति ठीक होनी चाहिए। आपको शायद पता होगा कि असेंबली में जब उन्होंने बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ मिल करके सेंट्रल असेंबली 8 अप्रैल को, तो एक बड़ा धमाका हुआ था। वो बोलते थे कि हमने किसी आदमी को मारने के लिए बम नहीं फेंका था, वो बहुत ही लो इंटेंसिटी का बम था जिससे किसी को कोई क्षति नहीं हुआ, एकाध दो लोग भगदड़ में घायल हो गए थे, लेकिन उनका इरादा एकदम साफ था कि हम असेंबली में बम इसीलिए फेंकेंगे क्योंकि हमको बहरों को सुनाना है, पूरे भारत के अधिकांश लोग सोए हुए हैं, वो क्रांति के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं, गुलामी में उनको मजा आ रहा है, और वो चाहते थे कि उनको सुनाई दे, उनको पता लगे कि कोई तो है, वो उठ खड़े हो साम्राज्यवाद के खिलाफ, वो उठ खड़े हो पूंजीवाद के खिलाफ, वो उठ खड़े हो अंग्रेजों के खिलाफ, वो उठ खड़े हो संकीर्णता के खिलाफ, वो उठ खड़े हो धार्मिक कट्टरता के खिलाफ, इसलिए उन्होंने बम फेंका था असेंबली में, और उसके बाद ही उनको सुना गया और वह
नेशनल के या इंटरनेशनल लेवल के एक विशाल क्रांतिकारी बन गए थे। वह इतने विराट व्यक्तित्व के हो गए कि उस समय अंग्रेज उनसे इतना भयभीत था कि उनके मरने के बाद उनको फांसी दिया और उसके बाद उनको बोटी बोटी काट करके बोरा में भर के सतलुज नदी में जाके फेंक आया था। बाद में कुछ भारतीयों ने देख करके उसको बटोर करके एक जगह उनका दाह संस्कार किया था। इतना भय था अंग्रेजों को एक भगत सिंह से। तो आप सोच सकते हैं भगत सिंह, उनके साथ साथ जो बटुकेश्वर दत्त थे उनको काला पानी की सजा दिया था अंग्रेजों ने, और वो काला पानी भुगत करके बाद में वह जब इंडिया में आए उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। हम लोग हमेशा सम्मान नहीं करते हैं, जानते हैं ऐसे क्रांतिकारी लोग दो बार मरते हैं, एक बार तो जब उनको फांसी लगा या गोली मार दिया गया तब, और दूसरा जब हम उनको भुला देते हैं, जब उनके आदर्शों पर नहीं चलते हैं, जब उनका नाम भी नहीं लेते हैं। आपको पता है कि भगत सिंह को सब लोग आदर्श मानते हैं। भगत सिंह ऐसा व्यक्ति है जिनके जीवन में कोई कंट्रोवर्शियल ही नहीं है, हर कोई उनसे प्यार करता है, पाकिस्तान भी, भारत भी, और यहाँ के जितने भी धर्म के लोग हैं वो सब उनको उतना ही सम्मान देता है, लेकिन राजनीतिक पार्टी उनको आइकन नहीं बनाती है। अभी एक पार्टी है आम आदमी पार्टी जिसने आइकन बनाया है, पंजाब का भी चुनाव हुआ है संपन्न, उसमें देखे होंगे कि वह अम्बेडकर जी और भगत सिंह को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं बराबर, लेकिन बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी भगत सिंह से भाग खड़ा होता है, क्योंकि भगत सिंह के विचारधारा इतने क्रांतिकारी है, इतने समझिए कि बदलाव लाने वाले हैं कि उससे डरते हैं ये लोग कि ऐसा ना हो कि हमारा पोल खुल जाए। वो हमेशा कहते थे कि हमें काले अंग्रेज से भी लड़ना है, सिर्फ गोरे अंग्रेज से नहीं। वो कहते थे हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, एकदम फ्री, पूरा फ्रीडम, हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेट कांग्रेस ने बहुत बाद में उठाया, फ्री पूर्ण स्वराज का मांग बहुत बाद में किया। पहले वो कहता था कि हमको खाली डोमिनियन बना दीजिए, हम जी हजूरी करेंगे आपका, हमको खाली डोमिनियन दे दीजिए। भगत सिंह बोले कि नहीं, हमारा देश है, हम अंग्रेजों को भगा के रहेंगे, अंग्रेज भागो, यहाँ हमारा खुद का शासन व्यवस्था स्थापित होना चाहिए, यहाँ सच्ची मात्रा में लोकतंत्र होना चाहिए, यहाँ समाजवाद स्थापित होना चाहिए। तो ऐसे थे हमारे भगत सिंह। आजकल युवा लोग क्या कर रहे हैं, भगत सिंह को के जैसा अपना वो मूछ रखते हैं, ऐसे ताव देते हैं, उनको लगता है कि भगत सिंह खाली मूछ रख के उस पर ताव देते थे। अरे यार, जिस उम्र में तुम गुलाब के फूल लेकर के लड़कियों के पीछे भाग रहे हो उस उम्र में वो फांसी के फंदा चूम रहे थे। आजकल किसी युवा से पूछिए कि भगत सिंह कैसे थे, तो वो मूछ पे ताव देकर बोलते हैं कि ऐसे थे, वो गोली चलाते थे, वो सिर्फ रिवॉल्वर चलाते थे। उनको लगता था कि भगत सिंह सिर्फ हिंसा करते थे। अरे भैया, हिंसा तो उनका दूसरा हथियार, मतलब उनका समझिए कि हिंसा में विश्वास नहीं था। वो तो बार बार कहते थे कि क्रांति विचारधारा से आती है, हिंसा तो समझिए कि एक छोटा सा माध्यम है, हमको सिर्फ इसलिए उसका सहारा लेना पड़ा क्योंकि हमें बहरों को सुनाना था। भगत सिंह को आपको समझना पड़ेगा, और भगत सिंह को आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक कि भगत सिंह के बारे में आप पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भगत सिंह के बारे में नहीं समझ पाएंगे आप। भगत सिंह ने एक बार लिखा भी था कि मेरी कलम इस कदर वाकिफ है मेरे जज्बातों से कि मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। जब उनको शादी करने के लिए कहा गया, जब 17 साल के थे, उन पे दबाव आने लगा तो भाग गए कानपुर। उन्होंने कहा कि हमको शादी नहीं करना है, हम गुलाम भारत में शादी नहीं करेंगे, हम आज़ाद भारत में शादी करेंगे, और हम तो शादी कर चुके हैं, अपनी आज़ादी से कर चुके हैं शादी, हम तो फांसी के फंदों से, हम अपनी मौत से शादी कर चुके हैं। वो ऐसा व्यक्ति था जिसने मौत को भी डरा दिया था, मौत भी भाग गया, वो हमेशा मुस्कुराते रहता था वो व्यक्ति, बड़े रोमांटिक अंदाज के व्यक्ति थे, वो गाना भी गाता था व्यक्ति, बड़े खुश मिजाज थे, हैंडसम तो इतने थे कि उनको देख करके लड़कियों की लाइन लग जाती थी। उनको बचाते बचाते कहा जाता है कि एक बार की बात है जब ये सुखदेव बोलता है कि लड़कियों से बचाते बचाते तो मेरी कमर टूट जाती है भगत सिंह को, और भगत सिंह का प्यार तो कहीं और है। आपको पता है कि जब फांसी लग रहा था तो उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया था, क्यों चूमा था, क्योंकि उन्होंने दुल्हन बना लिया था उसको, उन्होंने कहा था कि यही मेरा दुल्हन है, और अंतिम मुलाकात हो रही थी इसीलिए उन्होंने उसको चूमा था। तो हमें ऐसे व्यक्ति से सीखना पड़ेगा, हमने उनको बहुत हद तक याद रखा है लेकिन उनके विचारों को हम अभी तक नहीं समझे हैं। वो पूरी तरह से नास्तिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उनको ईश्वर में विश्वास नहीं था। वो कहते हैं कि भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, आपको अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए।
आप एक ना एक दिन मरेंगे जरूर, क्योंकि आपका जन्म हुआ है तो मरेंगे जरूर, आप नश्वर है। लेकिन अपने जीवन को इस तरह से जिए, इस तरह से बनाइए कि मरते वक्त आपको कोई भी दुख ना हो, आपको पछतावा नहीं हो। भगत सिंह को कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि भगत सिंह ने वो काम कर दिया था जिसके लिए वो पैदा हुआ था। तो वो थे महान भगत सिंह। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। मुझे लगता है कि आप भगत सिंह के बारे में थोड़ा बहुत जरूर समझे होंगे। देखिए, भगत सिंह के विचारों को आप जरूर पढ़िए, भगत सिंह से सीखिए। भगत सिंह से जेल में मिलने के लिए नेहरू जी भी गए थे। कहा जाता है कि नेहरू जी कभी जेल में नहीं गए, उन्होंने बचाने की भी कोशिश किया, फांसी को कम ख़त्म करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि फांसी नहीं होना चाहिए। गांधी जी भी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी ना हो, लेकिन गांधी जी को सफलता नहीं मिली, क्योंकि यह व्यक्ति स्वयं ही चाहता था कि मैं फांसी के फंदे पर झूलूं, क्योंकि उनको पता था कि जब तक मैं फांसी के फंदे पर झूलूंगा नहीं, हमारे देश के बहरों को, अंधों को ये मैसेज ही नहीं जाएगा। उनको पता था कि जिस दिन मैं झूला, उसी दिन हजारों की संख्या में भगत सिंह पैदा हो जाएगा इस देश में। अभी आप देखते हैं गाड़ी के पीछे बहुत लोग लिखवा लेते हैं, फिर से आना पड़ेगा। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की वो। विश्वास ही नहीं था पुनर्जन्म पे। वो तो कहते थे एक ही जिंदगी मिलता है, उसी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना पड़ता है, उसी को हम एक उद्देश्य के लिए बना लेंगे। खिलाफ हमें एक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, तभी हम आज़ाद होंगे। उनके समकक्ष ही भीमराव अम्बेडकर साहब भी उस समय आंदोलन छेड़े हुए थे, वो सामाजिक आंदोलन के अग्रदूत थे। आपको पता होगा उनसे पहले विवेकानंद जी ने भी सांस्कृतिक, समझिए कि जो डोमिनेंस स्थापित कर रखा था वो ब्रिटिशर्स, वो बोलते थे कि भारत के लोग तो निर्धन गरीब सपेरों का देश है। उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत के संस्कृति सबसे ज़्यादा विकसित रहा है, हमने सभ्यता सिखाया है लोगों को, हमने एक जीने का तरीका बताया है दुनिया को। तो वो थे विवेकानंद जी, उन्हीं के पंक्ति में भगत सिंह है और उन्हीं के समकक्ष भीमराव अम्बेडकर साहब है। तो ऐसे ऐसे लोगों को आपको पढ़ना चाहिए, उनके विचारों को समझना चाहिए। भगत सिंह किताबों से बहुत प्रेम करते थे। कहा जाता है अपने जीवन में वह 300 से अधिक किताबों को पढ़ डाला था। जब उनको फांसी लगने वाला था उस दिन भी वह लेनिन के जीवनी पढ़ रहे थे। जब जेलर ने कहा कि चलिए अब आपको फांसी लगेगा, तो उन्होंने कहा कि रुको, अभी हम अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। उसके बाद उन्होंने लास्ट में एक डेढ़ पेज जो बच गया था उस पर वहाँ पर मोड़ करके वो चले गए थे। इनकलाब जिंदाबाद की नारा लगा रहे थे और ये बोल रहे थे साम्राज्यवाद तेरा नाश हो, और ऐसा हुआ भी। पूरा ब्रिटिशर्स जो इतने विशाल साम्राज्य स्थापित किए हुए थे वो सिमट करके एक छोटे से द्वीप में पहुंच गए। हम भगत सिंह के सपना को तब तक पूरा नहीं कर सकते हैं जब तक कि भगत सिंह के बताए गए मार्ग पे नहीं चलते हैं, और हम अपनी समस्याओं को, जो देश में इतनी सारी समस्या है, आजकल तो बहुत सारी समस्या है, आजकल तो देखते हैं कि धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो गए हैं। अभी तो एक राजनीतिक पार्टी लगातार लड़ाने का काम करने का करती रहती है, हमें उससे भी लड़ना पड़ेगा। मीडिया देखते हैं, मीडिया को उन्होंने, भगत सिंह ने उस समय आलोचना किया था जब मीडिया लगातार जो है क्रांतिकारियों को दबाने का काम कर रही थी, तो उन्होंने उस समय भी कहा था कि मीडिया गोदी मीडिया है और बिक चुकी है। आज की मीडिया का भी देखिए, उनका रैंकिंग देख लीजिए क्या स्थिति है पूरे वर्ल्ड में। हमें इन सबसे सतर्क रहना। भगत सिंह ने HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको सचिंद्र नाथ सालयान ने 1924 में बनाया था, उसका नाम बदल करके 1928 में इन्होंने HSRA कर दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और वो जो एसोसिएशन था उसके जरिए उनका विचार सामने आता है। उन्होंने अपने जीवन में 3 पुस्तकें भी लिखी और अनेकों लेख लिखा इन्होंने, कभी अपने नाम से, कभी गुमनाम नाम से, और उनको पढ़ने के बाद ही उनको आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। समाज की भलाई के लिए राजनीति जरूर करिए। भगत सिंह से हम ये सीख सकते हैं कि अगर आप किसी भी उम्र के हो, आप चाहे छात्र ही क्यों ना हो, समाज की भलाई के लिए जरूर राजनीति करिए। राजनीति किसी के बाप की बबौती नहीं है कि सिर्फ वही करेगा, आपको भी करना चाहिए, तभी हम सुंदर समाज बना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। अभी देखिए बहुत बड़े बड़े लीडर पैदा हुए हैं, स्टूडेंट से ही वो लीडर बने थे। पहले वो छात्र के नेता थे, बाद में वो नेता बनते हैं। इसीलिए छात्रों को राजनीति जरूर करनी चाहिए समाज की भलाई के लिए। ये वीडियो अच्छा लगा होगा, भगत सिंह के बारे में आपको बहुत कुछ नई जानकारी मिली होगी।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।